शर्मा और मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ और आज मैं आया हूँ गांव ग्याला में। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर पूरी सड़क बुरी तरह से टूटी हुई है, ये देखिए। जब यहाँ पे बारिश होती है तो लोगों को यहाँ पर आने जाने की बहुत दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर पूरी सड़क टूटी हुई है, ये देखिए, जहाँ तक भी आप देखेंगे वहाँ तक ये सड़क टूटी हुई ही मिलेगी। हम चलते हैं इस गांव के सरपंच के पास और पूछते हैं उनसे कि यह रोड अभी तक क्यों नहीं बना। पहुंच चुके हैं ग्याला गांव के सरपंच जी के पास, जिनका नाम है प्रवीण कुमार। अब हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये रोड अभी तक क्यों नहीं बना, इसका क्या कारण है और ये रोड कब तक बनेगा। सरपंच जी, आप हमें बता सकते हैं ये रोड अभी तक क्यों नहीं बना, इसका क्या कारण है और ये कब तक बनेगा। ऐसे है, ये रोड बने हुआ करीब 5-5.5 साल हो गया है। ये रोड जो है टूट चुका, अभी तो स्कूल के बच्चे जाते हैं जी। वो भी बहुत परेशान होते हैं, कई बार साइकिल पे जाते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं। बहुत इस सड़क में जो खड्डे है वो बहुत पड़ चुके हैं। ऐसे है, हमने कई बार मंडी बोर्ड को भी अवगत करवाया है कि ये जो रोड है जल्दी से जल्दी बनाया जाए, इसका तो टाइम हो चुका है, रोड बनने का टाइम बन चुका है, इसलिए हमें रोड को जल्दी बना के दिया जाए, क्योंकि लोगों को जो परेशानी हो वो ना हो। हमें वो दिलासा देते हैं कि जैसे हमारे अप्रैल महीने तक या मई महीने तक जो रोड का काम लग जाएगा, ऐसे मुझे उम्मीद है कि अप्रैल महीने तक या मई महीने तक रोड बन सकता है। क्योंकि हम तो गांव के सरपंच हैं, हमारे तो अंडर नहीं है, मंडी बोर्ड के अंडर है। अब तो उनको ज्यादा पता होगा, हमें तो उन्होंने दिलासा दिया भी अप्रैल महीने और मई महीने तक रोड जो का काम है लग सकता है। मेरी सरकार से विनती है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।